हूँ उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। टोरंटो में एक और बर्फानी तूफान की आमद मुतवक्के, 20 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान, शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमा, कैनेडा की पोजीशन गैर वाज़ेह, इसराइल के खिलाफ लिबरल काबीना मुनकसिम। कंजर्वेटिव पार्टी का जस्टिन ट्रूडो के जमैका के मुख्तातिलात के बारे में इखलाकी तहकीकात का मुतालबा, एथिक्स कमिश्नर को खत लिख दिया। कंजर्वेटिव रहनुमा का ट्रूडो के हमले के बदलते बयान पर तशवीश का इजहार। अमरीका में शदीद बारिशों और बर्फानी तूफान से 5 अफराद हलाक, 4 लाख से ज़ायद मकानात और कारोबारी मराकज बिजली से महरूम, 13,000 परवाजें मनसूख और 850 से ज़ायद ताखीर का शिकार। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। वेलकम बैक। माहिरीन मौसमियात की जानिब से GTA में एक और तूफान का खदशा जाहिर किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। माहिरीन मौसमियात की जानिब से GTA में एक और तूफान का खदशा जाहिर किया गया है। आने वाला तूफान जुमे की शाम से हफ्ते की सुबह तक शहर में 20 सेंटीमीटर तक भारी बर्फ ला सकता है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि ये तूफान कुछ भारी गीली बर्फ के साथ एक बहुत ज्यादा असर वाला तूफान होगा। शहर के बेशतर हिस्सों में कम अज कम 10 सेंटीमीटर बर्फबारी का इम्कान है। टोरंटो में मंगल को सिर्फ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बर्फ पड़ी, लेकिन उसके बाद तेज़ी से दर्जा हरारत में इजाफा हुआ और एक गीले कीचड़ वाले तूफान के दौरान 25 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई, जिसने दोपहर के सफ़र को मुतासिर किया। GTA के शुमाल मगरबी हिस्से में कुछ स्कूल बसें दिन के लिए मनसूख कर दी गईं, लेकिन सफ़र में किसी बड़ी रुकावट की इत्तला नहीं मिली। माहरीन के मुताबिक हफ्ते के आखिर में आने वाला तूफान भी दर्जा हरारत में नुमाया कमी के साथ आएगा, जो अगले हफ्ते के बेशतर हिस्से तक बरकरार रहेगा। इतवार को ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड मुतवक्के है, जबकि इतवार के आखिर से पीर की सुबह तक हवा की सर्दी का एहसास -18 के लगभग रहेगा। कनाडा की हुकूमत ने अभी तक जनूबी अफ्रीका के इस दावे पर मौकफ इख्तियार नहीं किया है कि गजा में इसराइल की फौजी कार्रवाई नस्लकुशी है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुकूमत ने अभी तक जनूबी अफ्रीका के इस दावे पर मौकफ इख्तियार नहीं किया है कि गजा में इसराइल की फौजी कार्रवाई नस्लकुशी है, क्योंकि अकवाम मुतहदा का मरकजी अदालती इदारा इस केस पर दलाइल सुनने के लिए तैयार है। तवक्को है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जुमेरात को जनूबी अफ्रीका से दलाइल की समाअत शुरू करेगी, जिसके बाद जुमे को इसराइल के दलाइल होंगे। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के एक तर्जुमान ने इस हफ्ते के शुरू में बताया था कि हुकूमत सूरत हाल को करीब से देख रही है। अदालत में जनूबी अफ्रीका ने इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल गुज़िश्ता 3 माह के दौरान गजा की पट्टी को ज़रूरी खुराक, पानी, अद्वियात, ईंधन, पनागा और दीगर इंसानी इमदाद फराहम करने में नाकाम होकर अक़्वामे मुत्तहदा की नस्लकुशी कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसमें मुसलसल बमबारी की मुहिम की तरफ भी इशारा किया गया है, जिसने इनक्लेव का ज़्यादातर हिस्सा तबाह कर दिया है और तकरीबन 1.9 मिलियन फलस्तीनियों को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया। कनाडा में फलस्तीनी जर्नल डेलीगेशन की चीफ नुमाइंदा मोना अबू अमारा ने कनाडा से मुतालबा किया कि वो ICJ में जनूबी अफ्रीका के केस की हिमायत करे। अबू अमारा ने कहा कि यहाँ तक कि अगर ICJ के फैसले के नतीजे में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, लेकिन इससे आलमी बिरादरी पर सियासी दबाव पड़ेगा। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी मफादात के तसादुम और इखलाकियात के कमिश्नर से पूछ रही है कि जमैका में वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की तातीलात की तहकीकात करें।
مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی کنزرویٹو پارٹی مفادات کے تصادم اور اخلاقیات کے کمشنر سے پوچھ رہی ہے کہ جمیکا میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی تعطیلات کی تحقیقات کریں اور ان کے عملے نے اس تفصیل کو کیسے ہینڈل کیا کہ وہ مفت میں رہ رہے تھے۔ کنزرویٹو ایم پی اور اخلاقیات کے نقاد مائیکل بیرٹ نے منگل کو ایتھکس کمشنر کو ایک خط بھیجا جس میں پوچھا گیا کہ کیا وہ جانتے ہیں کہ ٹروڈو خاندانی دوست کی ملکیت والی لگژری اسٹیٹ میں مقیم ہے۔ بیرٹ نے کہا کہ چھٹی کسی دوست کے گھر رہنے کے مترادف نہیں ہے اور اسے تجارتی قیمت کے ساتھ تحفہ قرار دیا۔ بیرٹ نے خط میں کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ عوامی دفتر میں ہم میں سے پہلے سے موجود دوستی ہے اور چھٹی کے دن کسی دوست کے گھر رہنا بالکل غیر معمولی بات نہیں ہے۔ بیرٹ نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ٹروڈو کو اتنی مہنگی چھٹی تحفے میں دی گئی تھی، معقول طور پر دیکھا جا سکتا ہے جیسا کہ ایک حکومتی سربراہ پر اثر انداز ہونا تھا۔ امریکہ کی مشرقی ریاستوں میں شدید بارشوں اور برفانی طوفان سے 5 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی مشرقی ریاستوں میں شدید بارشوں اور برفانی طوفان سے 5 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ نیو یارک سمیت 12 ریاستوں میں 400,000 سے زائد مکانات اور کاروباری مراکز بجلی سے محروم ہے۔ نیو جرسی اور کینکٹیکیٹ میں دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے اور ڈیم کو نقصان پہنچنے سے شہری گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق شدید بارشوں کی وجہ سے 13,500 پروازیں منسوخ اور 850 سے زائد تاخیر کا شکار ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کی مشرقی ریاستوں میں طوفانی برف باری کے باعث ہر شہر نے سفید چادر اوڑھ لی، گھر، گاڑیاں، سڑکیں برف سے ڈھک چکی ہیں۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستانی اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔